जमशेदपुर में आईएएस छवि रंजन के दोस्त जुगसलाई निवासी श्याम सिंह और बिस्टोपर निवासी रवि सिंह भाटिया के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की आठ सदस्यीय टीम रेड डालने पहुंची है। तो देखिए ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आईएएस छवि रंजन के दोस्तों के घर भी दबिश ईडी की पड़ी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी की आठ सदस्यीय टीम छापेमारी करने पहुंची है। आईएएस छवि रंजन के दोस्त हैं श्याम सिंह, उनके आवास पर, श्याम सिंह के ठिकानों पर अभी यह छापेमारी चल रही है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए पूजा सिंघल जब उन पर शिकंजा कसा, उसके बाद मानो एक कड़ी सी जुड़ती चली गई कि आखिर इस भ्रष्टाचार में शामिल है कौन कौन। और कड़ियां जुड़ते 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 आज देखिए, कभी रांची के डीसी रहे थे आईएएस छवि रंजन, कोडरमा में भी उनका कई मामला था, और अब देखिए अब जो उन पर शिकंजा कसा है। पहले तो वो समन मिलने पर पहुंच नहीं रहे थे, समन के बाद पहुंचे, 9 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद जब कड़ियां अब जुड़ने लगी हैं, तो अब ईडी की टीम उनके दोस्तों के घर भी दबिश डालने पहुंच चुकी है और छापेमारी चल रही है ईडी की। बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि जब आईपीएस जो पूजा सिंघल के बाद से लगातार झारखंड में कई ऐसे पदाधिकारी, कई से अधिकारी के यहाँ लगातार ईडी के छापे चल रहे थे, और पिछले दिनों जमशेदपुर का जो आवास था छवि रंजन का, वहाँ भी लगभग 5 सदस्यीय टीम ने छापामारी की थी। हालांकि वहाँ से कागजात मिले थे, कुछ बरामद नहीं हुआ था, कागजात पेपर्स मिले थे, जमीन के पेपर मिले थे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला था। लेकिन अब धीरे धीरे निश्चित कल जब ईडी ने छवि रंजन से पूछताछ की, उससे कुछ क्लू मिला होगा। और आज उनके दोस्तों के, आप मेरे पीछे देखते हैं, ये वही फ्लैट है, फ्लैट का जो दरवाजा बंद है और सीआरपीएफ के जवान बाहर खड़े हैं, और इनके एक और मित्र है श्याम सिंह। श्याम सिंह जो जुगसलाई में रहते हैं, वो कारोबारी है, उनका आदित्यपुर में बीडीएस मॉल भी है, और ये जो रवि सिंह है, रवि सिंह है, उनके जो मित्र है, उनके यहाँ ईडी की 11 सदस्यीय टीम जो है छापामारी कर रही है। निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से दबिश बना रही है ईडी की टीम के द्वारा छापामारी की जा रही है, तो निश्चित है कि ये जो रवि सिंह है या श्याम सिंह है, उनके यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर बना, क्योंकि कल जब रवि रंजन से ईडी ने पूछताछ की थी, निश्चित है कुछ ना कुछ क्लू मिला था, और उसके बाद से सुबह से ही लगातार जुगसलाई श्याम सिंह के आवास पर और जो रवि सिंह भाटिया है उनके आवास पर, दोनों ही बताया जा रहा है कि उनके अच्छे मित्र हैं छवि रंजन के। तो निश्चित है जब छवि रंजन के यहाँ जब छापामारी की थी, तो बहुत सारे क्लू मिले थे। छवि रंजन का जो केयर टेकर था आदित्यपुर से, उसको बुलाकर कदमा में जब छापामारी चल रहा था, तो उससे फिर दरवाजा लॉकर को खोला गया था, लॉकर से कागजात मिले थे। तो हम ये कह सकते हैं लगातार जो ईडी जिस तरीके से दबिश बना रही है, निश्चित है आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ क्लू जरूर और बड़े पैमाने पर मिले, क्योंकि इनके मित्र है, अच्छे खासे मित्र है, तो निश्चित है जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं आगे भी चलकर किस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्योंकि बड़े व्यापारी में गिना जाता है। तो निश्चित है ईडी कुछ ना कुछ क्लू निकालेगी, और सुबह लगभग 7 बजे से ईडी की टीम यहाँ पहुंची है, लगातार छापेमारी की गई, और दरवाजा बंद, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यही वो फ्लैट है जिसमें रवि सिंह भाटिया रहते हैं, और जुगसलाई का जो श्याम सिंह का जो फ्लैट है, वहाँ भी छापेमारी चल रही है। जी रात प्रभात, जिस तरह से देखिए रांची में भी छापेमारी पड़ रही थी, जो कॉन्ट्रैक्टर विपिन सिंह के घर जब पहुंची, जब फ्लैट पर टीम पहुंची, ईडी की टीम पहुंची, तो वहां से वो अपने परिवार के साथ फरार हो चुका है, लेकिन क्या यहां पर पूरी फैमिली है मौजूद, या फिर हम श्याम सिंह के बारे में बात करें या फिर रवि सिंह के बारे में बात करें, क्या जो फैमिली है, जो दोस्त बताए जा रहे हैं आईएएस छवि रंजन के, वो हैं क्या घर पर, उनसे उन्हें डिटेन, वो पूरी फैमिली वहां पर है? बिल्कुल, देखिए दोनों ही जो मित्र हैं, चाहे श्याम सिंह की बात करें या फिर रवि सिंह भाटिया के, दोनों के पूरा परिवार घर पे ही है, क्योंकि घर के अंदर जाने के ज्यादा तो नहीं है, और जो सीआरपीएफ के जवान हमें रोक भी रहे हैं, और श्याम सिंह का भी पूरा परिवार है, तो दोनों अच्छे मित्र हैं, समझा सकता है। निश्चित है कि अच्छी मित्रता के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस एलआईबी जरूर हो रही होगी, तभी जाकर ईडी
में है, छवि रंजन के दोनों मित्रों के यहाँ पहुंची है और छापामारी कर रही है। तो हम इस फ्लैट का एक बार नजारा दिखा देते हैं। ये फ्लैट है और इसी फ्लैट में सुबह लगभग 7:30 बजे ईडी की टीम, 11 सदस्य टीम पहुंची और लगातार इसमें जो छापामारी है निश्चित है उनके परिवार के लोगों से पूछताछ ईडी की टीम के द्वारा की जा रही होगी। ये चाहे वो श्याम सिंह की बात करें या फिर रवि सिंह भाटिया का, कुछ ना कुछ जरूर आरती हम कह सकते हैं कि क्लू मिला है, तभी जाकर ईडी की टीम यहाँ पहुंची। और देखिए सीआरपीएफ के जवान यहाँ दरवाजा लॉक है और बाहर खड़े किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। तो आने वाले 2-4-6 घंटे में निश्चित है कुछ ना कुछ निकल कर जरूर सामने आएगा, क्योंकि लगातार ईडी कहीं भी किसी के यहाँ भी छापामारी करने जाती है, कहा जाता है कि जब तक उसके पास पुख्ता इनपुट्स नहीं होते तो वो ईडी की टीम कहीं नहीं जाती। तो निश्चित है कुछ ना कुछ इनपुट ठोस मिले होंगे, तभी जाकर ईडी की टीम यहाँ पहुंची और छापामारी कर रही है। जी आरती, चलिए आप नजर बनाए रखिए क्या कुछ हासिल हुआ इस छापेमारी के दौरान, ये सब भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे ये तमाम अपडेट्स। फिलहाल शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए जमशेदपुर में भी आईटी की और ईडी की रेड चल रही है। ईडी की टीम 8 सदस्य ईडी की टीम पहुंची है। आपको बताएं कि आईएस छवि रंजन के दोस्त हैं श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया, जिनके ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है। 8 सदस्य टीम पहुंची है जो छापेमारी कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।